आपका क्वेश्चन है, द डायमीटर्स ऑफ द टू कोन्स आर इक्वल इफ देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सर्फेसेस। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, देयर आर टू कोन्स, तो कोन वन एंड कोन टू। ठीक है, नाउ मेजर्स क्या दे रखे हैं इसने, द डायमीटर्स आर इक्वल, दैट मीन्स डी एंड डी दोनों में डी है, तो डायमीटर और तो रेडियस क्या हो गया, दे आर ऑल्सो इक्वल, तो रेडियस इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ दैट स्लैंट हाइट कैसा है, 5:4, तो दिस इज 5 एंड दिस इज 4 रेशियोस। ठीक है, तो रेशियोस हमारे कैसे होते हैं, रेड्यूस्ड फॉर्म है, तो समथिंग इज दैट जो हमने उसको कट कर दिया या रेड्यूस कर दिया, दैट पोर्शन इज अवर एक्स, दैट मीन्स दिस इज योर 5x एंड दिस इज योर 4x। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कर्व सर्फेसेस, तो हमने यहां पर लिखा सी एस ए ऑफ कोन वन बाई सी एस ए ऑफ कोन टू, दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, है ना, तो वन है तो आर इज ऑल्सो वन, एल इज एल वन, तो हमारा क्या हो गया, पाई आर वन एल वन बाई पाई आर टू एल टू। नाउ इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं और यहां पर हमको मालूम है आर वन एंड आर टू बोथ आर इक्वल, इक्वल है ना, तो आपका क्या हो गया, पाई आर वन इंटू एल वन इज 5x बाई पाई आर टू इंटू 4x, तो पाई एंड पाई गॉन, वी नो दैट आर वन इज इक्वल टू आर टू, दैट मीन दे वो भी कट हो गया, x एंड x भी कट हो गया, तो क्या बच गया आपका, दैट इज 5/4, देयरफॉर रेशियो इज 5:4। ठीक है, तो यही आपका रेशियो आएगा।